अभी मैं आपको बता दूं कि वर्ग समीकरण सॉल्व करने की बहुत सारी विधियां हम पढ़ रहे हैं, जो लोग काफी दिन से नहीं, हमने तो द्विघात सूत्र वाली विधि देखी भी नहीं होगी, सैटरडे को स्टार्ट करी थी। इसमें आपको सूत्र दिया जाता है और आपका एक्स के मान आ जाते हैं, गुणनखंड नहीं तोड़ने पड़ते। गुणनखंड तोड़ने की तुलना में थोड़ी लंबी है लेकिन सरल बहुत है, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, सीधा एक्स के आंसर आ जाते। समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे बीजगणित में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वर्ग समीकरण दिया है उसकी तुलना करनी पड़ती है व्यापक वर्ग समीकरण। तो इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण, अब आपको देखना है व्यापक, वैसे तो बताया है पर फिर भी, व्यापक वर्ग समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो से करने पर ए का मान दो, बी का मान सी का मान सही है दो माइनस सात तीन, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद एक सूत्र होता है जिसमें आप ये मान रख के क्या निकाल सकते हैं, मतलब एक्स के मान निकाल सकते हैं, दोनों दो मूल आते हैं जो जिस बार समीकरण के मूल होते हैं। उस सूत्र को कई लोग श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं, कई लोग द्विघात सूत्र। अब पेपर में वो क्वेश्चन लिखा है द्विघात सूत्र की सहायता से करो, तो अब द्विघात सूत्र से लिख देना, वरना लिख देना श्रीधराचार्य सूत्र से, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्स बराबर ध्यान दीजिएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन, सही है बच्चों? तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बहुत ज़रूरी चीज़ें देख रहे हैं आप, ऐसे इस फालतू चीज़ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर बेटा ये अपने पास सारे मान और आप रख के आंसर निकाल भी सकते हैं, पर ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ये दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखिए जो लोग आते जा रहे हैं मुझे तो पता नहीं, बाहर मुझे ये बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने तो बहुत अपने हाथ से अपने पापा बहुत तेज तेज कुल्हाड़ी मारी है, आप जानो। पर जो भी लोग नहीं आए उनको बता दूँ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर ये चीज़ माइनस में आ गई ना वैशाली तो माइनस वाले का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो फिर आंसर भी नहीं आएंगे, मूल नहीं आएंगे, मूल वास्तव में नहीं रहेंगे, फिर अपन लिख देंगे मूल काल्पनिक, मतलब अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में कई बार अपना बहुत टाइम बच जाता है, फिर वो थोड़ी लिखा आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो चीज़ है अंदर ये पहले से निकाल के रख लो, ये जो चीज़ है ये पहले से निकाल के अपन को रख लेनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को अपन विविक्त कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर मतलब जिससे मूलों की प्रकृति पता होती है कि मूल कैसे होंगे, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हेल्प करता है हमें पता करने में मूल निकालने के पहले ही, हाँ कि ये मूल निकालने के पहले ही हमें पता कर देता है कि मतलब ये जो मूल निकलेंगे नहीं निकलेंगे काल्पनिक हैं कि वास्तविक, काल्पनिक है तो नहीं निकालेंगे। तो विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये अलग से निकालना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है वैशाली, पर अच्छी आदतें अच्छी होती हैं। बी का मान क्या है माइनस सेवन दो तीन, माइनस सात का स्क्वायर करो चार प्लस सात का स्क्वायर करो उनचास ही आता है, माइनस सात का स्क्वायर माइनस सात इंटू माइनस सात माने उनचास, अब चार दूनी आठ तीन चौबीस, उनचास में से चौबीस से कितने बचे पच्चीस, सही है बच्चों? अब यहाँ पे सारे मान अपन रखेंगे, सूत्र दो तीन बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ऐसा नहीं सब याद होता है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस है, इसके बाद क्या लगाएंगे कोष्टक, इस कोष्टक में हम काय का मान रखेंगे बी का और इस कोष्टक में ए का, पहले बी का मान बताइए माइनस सेवन, ए का मान बताइए दो, और ये इतने सारे मान अपन को नहीं रखने हैं क्योंकि इन सब का अपन ने मान निकाल लिया है जो कि आया है 25, समझ गए? तो ये 25, अब बच्चों 25 का वर्गमूल होता है 5, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 बटे दो दूनी चार, आ गया समझ में? प्लस लेने पर एक्स बराबर सात प्लस पाँच बटे चार बारह बटे चार तीन, माइनस लेने पर एक्स बराबर सात माइनस पाँच बटे चार दो बटे चार एक बटे दो, बात खत्म, नहीं आया समझ में? कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस मान रखो और आंसर आ जाए। अब आप बताइए क्या आप इसको 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्या आप उसे गुणनखंड विधि से कर सकते हैं? बता, पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो? कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग से हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल लगेगा पर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग से लगभग सब हो जाता है, लेकिन सूत्र विधि से आपको अभी कोई टिपिकल लग ही नहीं सकता, आपको तो मान से मतलब है, बोलो ए का मान बोलो, बी का मान बोलो,
बी का मान है 5 करनी 3 और सी का मान है 6। अभिव्यक्त कर निकाल लो, बी की जगह क्या लिखेंगे 5 करनी 3 और इसका होल इज 4 2 6, 4 2 6 48, 5 का स्क्वायर करनी 3 का स्क्वायर 9 क्यों बोल रहे हैं, 5 का स्क्वायर देखो बहुत आने वाला है, अभी से कन्फ्यूजन खत्म करो, 5 का स्क्वायर 25, करनी 3 का स्क्वायर 3, 25 दिया 75 में से 48 कितने हो गए 27, समझ आया नहीं आया, 27 का वर्गमूल क्या होता है 9, हाँ नहीं होता ना, तो ग्रंथखंड थोड़े कुछ निकाल लेंगे, चलो देख ले रहे हैं या देख लो भैया परेशान मत करो, चलो बी का मान बोले नहीं बेटा 5 करनी 3, यहाँ पे लिखना है 27, यहाँ पे क्या लिखना है वैशाली 2, सही है बच्चों। अब दोस्तों ध्यान देना, पर 5 करनी 3 प्लस माइन तो दूनी 4 27, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, सही है, तो ये जोड़ा बन गया, तो ये जोड़ा वर्गमूल के कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, 3 3 3 क्या कर लिया अपन ने बताओ जरा, अबे कॉमन नहीं कर क्या लिया है, गुणनखंड तोड़ दिए हैं, क्या कर लिए हैं गुणनखंड 3 3 3, इससे क्या होगा कि अब जो जोड़ा बाहर निकल आएगा वो 5 करनी 3 प्लस माइनस 3 करनी 3 बटे 2 सॉरी 4, समझ आया, प्लस लेने पर 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 3 बटे 4, 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 3 8 करनी 3 नहीं आया सर, सोचो यहाँ करनी 3 एक्स होता तो 5x और 3x कितने लिखते 8x, तो 5 करनी 3 प्लस 3 करनी 3 कितना हो गया 8 करनी 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 करनी 3, क्या है बताइए, 5 करनी 3 माइनस नहीं लगेगा, हाँ बेटा गलती कर दी अपन ने, क्या लगेगा माइनस, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो भाई यहाँ भी क्या रहेगा माइनस रहेगा, अब प्रॉब्लम हो गई, 5 करनी 3 माइनस के हैं, 3 करनी 3 प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा 2 करनी 3 काय के माइनस के, चलिए तो काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो करनी 3 बटे 2 काय के माइनस, शाबाश, अब माइनस लेने पर माइनस 5 करनी 3 माइनस 3 करनी 3 बटे 4, जुड़ेंगे घटेंगे 5 और 3 8 करनी 3 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 करनी 3 काय के आ गए माइनस, चलिए समझ आया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया वर्ग समीकरण है करनी 3 एक्स स्क्वायर 2 करनी 3 माइनस, घबराइए नहीं बिल्कुल शांति से करिए इस सवाल को, ए का मान है करनी 3, बी का मान है 2 करनी 3, सी का मान है माइनस 2, 2 करनी 3 का स्क्वायर 4 √3 −2√3, सही है, देख तो लो यहाँ देख ही नहीं रहे कैसे सही है, 2 करनी 3 क्या करना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करनी 3 का 4 3 माइनस इंटू माइनस, अब ध्यान से 4 2 9, ठीक है, करनी 3 का करनी 3 में 8 3 24, 12 और 24 36, और 36 का वर्गमूल आता है 6, ये इतना सरल सवाल नहीं है, है सवाल में दम बहुत ज़्यादा, हाँ माइनस बी कहाँ है, 2 करनी 3 प्लस माइनस 36, ये तो लिखा लिए ना इसका मान कितना है 36 और सही है, अब जरा मेरी बात को समझना, इतना भी सब कुछ सरल नहीं होता एकदम से, वैसे कठिन भी नहीं है, 36 का वर्गमूल क्या आ गया 6 और ये 2 करनी 3, अब देखो यहाँ भी 2 करनी 3, यहाँ भी 2 काम को लगता है, 2 करनी 3 कॉमन आ जाए तो कट ही जाए, टेंशन ही खत्म हो जाए, तो टेंशन खत्म करनी है तो ध्यान ज़्यादा यहाँ देना पड़ेगा, क्या लिखा है 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 3 नहीं लिख सकते, बहुत जल्दी बातें करने लगती है, क्या अंतर स्टेप और स्टेप, अभी कोई अंतर है इन दोनों स्टेप,
छः को दो तीन छः लिखा, यहाँ भी दो तीन छः, अभी जो तीन है ना तीन, तीन को लिख लो करणी तीन, करणी तीन नहीं लिख सकते, इससे अपना क्या फायदा, इससे ये और ये कॉमन आ जाएगा। अब सोचो मैंने कॉमन लेने के लिए कितनी मेहनत की, खुशी की कि नहीं की, यहाँ बचा ओ सॉरी दो करणी तीन कॉमन आएगा, यहाँ बचा माइनस वन प्लस माइनस करणी तीन, समझ आया। अब सोचो मैंने कॉमन लेने के लिए कितनी मेहनत की, और कुछ इतने सियाने कॉमन भी तय काट कट गए भैया, ऐसे नहीं इनटू में जब होती है चीज़ तब कटती है, यहाँ तो ये प्लस माइनस में कैसे कट जाए। चलिए ये अब हो गए कैंसल, एक्स बराबर क्या आ गया माइनस वन प्लस माइनस करणी तीन, प्लस लेने पर माइनस वन प्लस रूट थ्री, माइनस लेने पर माइनस वन माइनस रूट थ्री, बस समझ गए। किसी विधि से इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने पास ये विधि है, इसलिए क्या है सवाल में बहुत ज़्यादा सावधानी हमें रखनी पड़ती है। क्या लिखा है पढ़ो, दस वाई स्क्वायर माइनस ग्यारह वाई माइनस छः बराबर जीरो, बोलो ए का मान, बी का मान, सी का मान, समझ में आया नहीं आया, पूरा सुन लेना उसके बाद बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। बी का मान बताइए, जल्दी बोलिए, ए का मान, सी का मान, ग्यारह ग्यारह माइनस माइनस प्लस 240, 361, 19 का वर्गमूल होता है 361, मान रखेंगे अपन, क्या रखेंगे मान, चलो बोलो जरा, पहले लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे कोष्टक, कोष्टक लगाना ना भूलें, बोलिए बी का मान जल्दी, हाँ 361 और 10 सही है, 11 प्लस माइनस 19 बटे दो घाम 20, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, आराम से आराम से, प्लस लेने पर x बराबर 11 प्लस 19 बटे 20, 30 बटे 20, 3 बटे 2, माइनस लेने पर 11 माइनस 19 बटे 20, माइनस 8 बटे 20, काटो चार दूनी आठ, चार पंचे 20, समझ में आया, सरल लगा, बताओ कितने नंबर मिलेंगे तुम्हें, सवालों कर दोगे ऐसे ही तो, हाँ कितने मिलेंगे वैसे, अब ध्यान से समझो हमारी बात, ये सवाल एक्स का नहीं, ये सवाल वाई का, और जो हमने किया है वो 90% जनता करती है कॉपी, हमने बहुत कॉपी चेक करी है, समझ रहे, ये सूत्र इतना रहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो बर्थडे ये x नहीं तो ये जो मैंने गलती करी ये तुम भी करोगे, इसलिए मैं हर बार बच्चों को कर करके दिखाता हूँ बेटा कि ऐसी गलती ना करना, बोलने से अलग होता है करने से, समझ में आया, अब मिल जाएंगे पूरे नंबर, हाँ अब मिल जाएंगे, नहीं अभी भी नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि व्यापक समीकरण आपने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, एक बच्चे ने व्यापक समीकरण तो सभी लोग तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से करने पर, तो आशा करता हूँ आप ये नहीं भूलेंगे, भूल जाएंगे, तो जो मैंने गलती की वो आप नहीं करना बेटा, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, एक नंबर मिले, हमने कॉपी बुलवाई है बच्चों के, अच्छे बच्चों की जिनके अच्छे सौ में सौ आने थे, उनको 88 नंबर 88 नंबर आए, तो देखा तो पांच नंबर क्वेश्चन पे यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया, और उन्होंने तुलना भी कैसे कर दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर हमने काला मान वाई का ही है, बाद में याद आ गया होगा तो काट दिया होगा, लेकिन नंबर एक मिला है पांच में से, सोच 3y² = y + 1, इसकी हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये बराबर में जीरो नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3y² लिख देंगे, प्लस के वाई इस तरफ आएंगे तो माइनस के, प्लस के वाई इस तरफ आएंगे तो ए का मान तीन, बी का मान सी का मान, ये मान हम यहाँ पे रखेंगे माइनस एक तीन माइनस एक, तो सबसे पहले बच्चों माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस इंटू माइनस प्लस चार थ्री बारह, कितना आ गया 13, नहीं निकलता तो क्या करें, अब नहीं निकलता वर्गमूल 13 का वर्गमूल नहीं निकलता, कुछ नहीं आंसर करनी में आ जाएगा, चलिए सर
बताइए फिर। माइनस माइनस वन, कोष्टक जरूर लगाएं, तेरह और दो तीन छः, माइनस माइनस प्लस वन कर ली, तेरह बटे छः, प्लस लेने पर वन प्लस रूट तेरह बटे छः, माइनस लेने पर वन माइनस रूट तेरह बटे छः।